हे जॉन, क्या हो गया? भूख लगा है, मुझे बहुत जोर से तो भूख मम्मी लगा को पूछ। है। तो पूछ रहा हूँ, मम्मी मुझे भूख लगा है, खाना दो। जब भी हमें भूख लगता है हम ऐसे ही चिल्लाते हैं, मम्मी को परेशान कर देते हैं, मुझे जल्दी से खाना दो। और मम्मी भी हमारे लिए बहुत सुंदर सा खाना बनाकर दे देते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने की सुविधा नहीं है, जिनको अच्छा खाना, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता है, उसके कारण वो बीमार भी पड़ते हैं। बहुत सारे लाखों बच्चे ऐसे भी हैं बिना खाना खाए सोने भी जाते हैं, ऐसे भी हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में मदद करते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं, बच्चों को खाना देते हैं ना। कुछ लोग खाना देकर मदद करते हैं, कुछ लोग अपना पैसा देकर मदद करते हैं, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है ऐसे खाना देने में, वो सभी बहुत अच्छी चीज़ है ना। आज भी हमारा संडे क्लास का थीम कुछ ऐसे ही है, भोजन से तृप्त करने वाला यीशु। तो चलिए हम लोग देखेंगे। एक बार यीशु मसीह एक नाव पे बैठकर एक सुनसान जगह जहां पर कोई भी नहीं हो, एक अकेला जगह पर जाना चाहते थे। और यीशु मसीह नाव पर बैठे और वो जगह पर जा रहे थे। आजू बाजू के जो जो गांव है वहां के लोगों को सुनने में आया यीशु मसीह उस सुनसान अकेले जगह पर जा रहे हैं। जैसे लोग ने सुना यीशु मसीह वहां जा रहे हैं, तो लोग तुरंत अपने घर से निकले, अपने गांव से निकले और पैदल ही, कुछ लोग चल के गए, कुछ लोग भाग के गए। और यीशु मसीह उस जगह में पहुंचने से पहले ही वहां पर एक बड़ी सी भीड़ जमा हो गई। और यीशु मसीह नाव में आकर वहां पर उतरे तो इतनी बड़ी भीड़ को देखे, और यीशु मसीह वो सभी लोगों को देखकर तरस खाए। और यीशु मसीह ने उनमें से जितने भी लोग बीमार थे, अलग अलग तरीके के बीमार थे, वो सभी लोगों को बीमारी को यीशु मसीह ने ठीक किया, चंगा किया। यीशु मसीह ने उनसे काफी सारे बातें किया। अभी शाम होने आया, अंधेरा होने को आया, तभी जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो आए यीशु मसीह के पास और बोले, यीशु मसीह अभी कुछ ही समय पर यहां पर पूरा अंधेरा होने वाला है और ये बहुत सुनसान जगह है, यहां पे और भी अगर देर रुकेंगे पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो आप क्या करो, जो भी लोग आए हैं उनको अपने अपने घर भेज दो ताकि वो अपने लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उनके चेलों को बोला, उनको क्यों भेज रहे हो आप खुद ही उनको खाना दो। ऐसा करके यीशु मसीह ने उनको बोला। वहां पर बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो चेलों ने सोचा, यीशु मसीह आप क्या बोल रहे हो, इतनी बड़ी भीड़ है उनको हम लोग खाना दें, ना ही हमारे पास पैसा है, ना ही हमारे पास कोई यहां पर आजू बाजू में दुकान है, हम कैसे देंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तभी वो चेलों ने यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन इस पूरी भीड़ में से एक छोटा बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन यहाँ पर हजारों लोगों से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है जिसके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। तो यीशु मसीह ने बोला, उसे मेरे पास लेकर आओ। तो उस छोटे बच्चे से उन्होंने लेकर आए और यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने उसे अपना हाथ में लिया और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। उसके बाद में उस रोटी को यीशु मसीह ने तोड़ा और उनके चेलों को दिया और उनके चेलों ने जाकर पूरे लोगों को रोटी बांटने लगे। जितनी भी बड़ी भीड़ थी वो सभी को पूरे घास में बिठाकर यीशु मसीह ने चेलों को दिया रोटी और चेले जाकर
जितने भी लोग बैठे थे सबको सबको देते आए। वहां पर बाइबल में लिखा है जो स्त्री और छोटे बच्चे को नहीं गिनते हुए जो पुरुष थे, जो मेल्स थे, वो लोग लगभग 5,000 लोग थे। कितने? 5,000 लोग थे। मतलब अगर महिलाओं को और बच्चों को भी अगर हम मिलाएंगे तो काफी सारे हो जाएंगे ना, 5,000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। और उनके पास रोटी कितना था? 5 रोटी 2 मछली। लेकिन यीशु मसीह ने उसे हाथ में लेकर धन्यवाद दिया और यीशु मसीह वो देने लगे और चेले जाकर सभी लोगों को देते आए। वो लोग भोजन से बहुत तृप्त हो गए। जितना मांगा उन्होंने देते गए, वो खाते गए। पूरा खा के खत्म होने के बाद जो बचा हुआ टुकड़ा था रोटी का, उसे उन्होंने इकट्ठा किया तो लगभग 12 टोकरी भर के उन्होंने जमा किया। 12 टोकरी खाना उन्होंने जमा करके रखा। यीशु मसीह हमें भी तृप्त करना पसंद करते हैं। वो लोगों ने क्या किया? सिर्फ सुना कि यीशु मसीह उस जगह पर जा रहे हैं, वो लोग भाग के गए उस जगह पर तुरंत यीशु मसीह को मिलने के लिए। और यीशु मसीह उनको देखकर तरस खाए। जब भी बच्चों आप यीशु मसीह के पास आते हो और विश्वास के साथ आते हो, यीशु मसीह आपको खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आना। आपकी जरूरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के पास एक विश्वास के साथ आना, यीशु मसीह मैं आपके पास आया हूं, यीशु मसीह आपको तृप्त करेंगे, आपका बीमारी से आपको चंगाई देंगे, आपको ऐसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, जरूर यीशु मसीह आपको तृप्त करेंगे। कई बार हम सोचते हैं जो खाने देते हैं वो भगवान को, हम उनको बोलते हैं जो भी खाना देता है वो भगवान है, ऐसा हम बोलते हैं। उस पूरे जगह पर एक छोटा बच्चा था जिसने उसका टिफिन में 5 रोटी और 2 मछली था उसने दे दिया, तो क्या वो छोटा बच्चा भगवान है? नहीं, वो सिर्फ एक मददगार है। यीशु मसीह ने वो छोटे बच्चे को इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए। और कई बार जो खाना बांटते हैं लोगों को, जाकर दे देकर खाना बांटते हैं, हम बोलते हैं ये भगवान है। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, चेले को दिया, चेले लोग जाकर सब लोगों को दिए। क्या वो चेले लोग भगवान है? नहीं, यीशु मसीह ने केवल उन लोगों को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर और एक ही है इस दुनिया में, उसका नाम बाइबल में दिया गया है यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, वो हमें इस्तेमाल करता है इस दुनिया पर ना। यीशु मसीह के साथ जो लोग थे, जो चेले थे, यीशु मसीह ने उन्हें इस्तेमाल किया। जो रोटी, 5 रोटी और 2 मछली एक छोटा बच्चा लेकर आया, यीशु मसीह ने उसे लेकर इस्तेमाल किया। यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली भी नहीं होता तो भी यीशु मसीह खाना लेके आ सकते थे। हाँ, 5 रोटी और 2 मछली भी नहीं होता तो भी यीशु मसीह खाना लेके आ सकते थे, वो इतना ताकतवर है उनके पास। मगर यीशु मसीह उसे इस्तेमाल किए, जो था उनके पास उसे इस्तेमाल किए, और जो साथ में लोग थे उन्हें भी इस्तेमाल किए। यीशु मसीह ही हमें तृप्त कर सकता है, लोग नहीं। लोगों को केवल यीशु मसीह इस्तेमाल करता है, लेकिन यीशु मसीह ही हमें तृप्त कर सकता है, हमें चंगाई दे सकता है। जितने भी लोग थे, लगभग 5,000 से ज्यादा लोग थे, सब भोजन से अच्छा तृप्त हुए और खुशी से फिर अपने घर गए। बच्चों आप भी यीशु मसीह के पास आना, हाँ विश्वास के साथ आना, यीशु मसीह आपको छोड़ेंगे नहीं। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, हम अपने आँख को जोड़ेंगे और हम आँखें बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह हमारी भी ज़रूरत है, हम भी आपके पास आना चाहते हैं विश्वास के साथ। हमारी ज़रूरतों को केवल आप पूरा कर सकते हो, लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को इस्तेमाल करते हो आपके कामों के लिए, आपके राज्य के लिए, उसी तरह हम लोगों पर नहीं हमारा भरोसा, हम आपके ऊपर भरोसा रखना चाहते हैं यीशु मसीह। जैसे वो पूरी बड़ी भीड़ आपको ढूंढ कर आई, उसी तरह हम भी आपको विश्वास के साथ ढूंढ के आते हैं यीशु मसीह। आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हमें रोज की रोटी आप हमें देना, हमें तृप्त करना। हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्या होगी परमेश्वर, वो सभी समस्याओं को आप दूर करके हम खुशी से और तृप्त से रहने के लिए यीशु मसीह हमें मदद और सहायता करना। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
आप लोगों ने देखा यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है और वो लोगों को अपने भले कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यीशु मसीह पर जो भरोसा करके उनके पास आते हैं वो कभी भूखे या उदास होकर नहीं जाएंगे, वो तृप्त होकर जाएंगे ना। अभी हम एक सुंदर सा वचन देखेंगे, भजन संगीता चैप्टर 37 वर्स 19, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। भजन संगीता चैप्टर 37 वर्स 19, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। ये वचन कह रहा है विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और वे कभी लज्जित नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। कभी मुसीबत के समय, विपत्ति के समय, हमारे परेशानी के समय ना, हमारे दुख के समय में ना, जब हम टूट जाते हैं ना, हमारा सभी मुसीबत के समय पर ना, विपत्ति के समय पर जब हम यीशु मसीह पर हमारा भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कभी नहीं टूटेगा और ना ही हम कभी लज्जित होंगे, नहीं होंगे, हम कभी नहीं लज्जित होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, वो कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ते हैं। और आगे लिखा है और अकाल के दिनों में वितृप्त होंगे, कौन से समय पर? अकाल के समय पर। पूरा दुनिया भी अकाल हो जाए, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, उसकी भोजन से वह हमें तृप्त करेगा। हम कभी भी भूखा नहीं रहेंगे, हम तृप्त रहेंगे, हम बहुत खुशी से रहेंगे अकाल के समय पर भी। आप यीशु मसीह पर विश्वास करना। इस वचन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे मिलकर, आप याद रखना इस वचन को, भजन संगीता चैप्टर 37 वर्स 19, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास रखना, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। ओके, आप लोगों ने देखा आज का सने क्लास सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। जरूर हमें यीशु मसीह पर हमारा भरोसा रखना चाहिए, वो क्योंकि हमें तृप्त करते हैं, हमें कभी उदास देखना पसंद नहीं करते हैं। जब विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं हम कभी लज्जित नहीं होंगे, हमारा आशा कभी भी नहीं टूटेगा। ओके बच्चों, इसे आप लोग याद रखना। इस सिलेबस को आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, विद प्रेयरफुली आपके संडे क्लास में भी अप्लाई करना। गॉड ब्लेस यू। अगला हफ्ता हम एक और सिलेबस में मिलेंगे, तब तक बाय।